वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम दिखाते हैं बरेली का कैंट आर्मी एरिया। ये बरेली की मार्केट है देखिए, और ये कैंट को हम आज एक्सप्लोर करते हैं। ये कैंट है देखिए, चलते हैं आगे। आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। ये देखो हम चल रहे हैं अभी आगे फूल बाग, आज को फूल बाग गार्डन दिखाते हैं कैंट का। भाइयों कैंट का तक्षशिला कॉन्वेंट कॉलेज स्कूल है ये, आपको आगे भी ब्लॉग में दिखाते हैं। चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, आप आगे लेके चलते हैं आपको ये कैंट की रैली करनी बरेली कैंट। भाइयों आगे चलते हैं बरेली कैंट में फूल बाग के लिए, आपको दिखाते हैं बरेली का फूल बाग। चलिए आगे व्यू को एंजॉय कीजिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. भाई ये कैंट का फूल बाग है, ये कैंट का फूल बाग देख लीजिए, फूल बाग। ये कैंट की रोज वैली है, देखिए भाई ये कैंट की रोज वैली है। भाई ये कैंट में ये गांधी बाग है, इसी को हम फूल बाग बोलते हैं सभी लोग। ये फूल बाग गार्डन है, यहाँ घूमने आ सकते हैं, 20 रुपये की पर्ची कटती है, और इसमें अंदर बैठो और घूमो एंजॉय करो। ये बरेली कैंट। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. भाई ये फूल बाग का मेन गेट है, यहाँ से इस फूल बाग के लिए एंट्री होती है और एंट्री फीस लगती है। और आप देखिए आगे आपको दिखाते हैं, ये हम इस साइड से घूम रहे हैं और आपको एंजॉय कीजिए। आगे दिखाते हैं ये फूल बाग का नज़ारा, देखिए और व्यू को एंजॉय कीजिए। यहाँ कपल, इस फूल बाग में कपल लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
just the thousands, and we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. भाई हम इनके कैंट के मोमोज खाने हैं, मोमोज यूज का है जी, ये कैंट से मोमोज खाने आए हैं यहाँ। ये मोमोज हट पॉइंट है, मोमोज हट पॉइंट, यहाँ के मोमोज देख लीजिए। ये बरेली का कैंट का पोखरा मोमोज है, पोखरा मोमोज खाने आए हैं। ये मोमोज कैंट पोखरा बरेली के फेमस मोमोज हैं, यहाँ मोमोज खाने आए हैं, आप इंजॉय कीजिए व्यू। ये सैनिक सुविधा पैलेस के सामने मोमोज ऐड आई जी, पुरखा मोमोज। गाड़ी जैसे मेरे पकड़ याद है, हेलो कर रहा है उसने, इसके सामने हैंड वॉश लाया गया आराम से दुपट्टा ये कैंट का बरेली सिनेमा। भाइयों आगे हम चलते हैं बरेली के फेमस लाटी चौका खाने, बीटीसी वाले भैया के यहाँ। चलो आगे आपको दिखाते हैं व्यू को, एंजॉय कीजिए। ये आगे भैया का ठेला लगा हुआ रेड़ी वालों का, बीटीसी डिग्री वालों का, लाठी चौका खाने चल रहे हैं। भाइयों हम बीटीसी वाले भैया गए लिट्टी चौका वालों के यहाँ पहुँच गए हैं, और ये इनका रेड़ी लगी हुई लिट्टी चौका, और इनके देखते हैं टेस्ट कैसा है लिट्टी चौका का, इंजॉय करते हैं टेस्ट। ये भैया लिट्टी चौका वाले, इनने बीटीसी डिग्री कर रखी है, बीटीसी डिग्री करने के बाद ये लिट्टी चौका की रेड़ी खोल ली है, और इसमें अच्छी इनकम है इनकी, और बिक्री अच्छी सेल होती है। देखिए भाई ये इस किस तरीके से ये लिट्टी चौका बना रहे हैं, और यहाँ बरेली का ये फेमस लिट्टी चौका इनकी रेड़ी है ये। भैया का काम अच्छा चल रहा है लिट्टी चौका का, और यहाँ शाम के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। ये देखो कैसे बना रहे हैं ये बैगन और टमाटर को लगा के। भाइयों लिट्टी चौका बनने में अभी टाइम लगेगा, तब तक हम कैंट को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं कैंट में, देखते हैं और क्या क्या जगह अच्छी जगह हैं कैंट में, इसलिए आपको भी घुमाते हैं। देखिए आप, हम ये कैंट के आगे तरफ पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, पुराना सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों का ज़माने का बना हुआ इस कैंट में, और तब तक हम घूमते हैं, और तब तक लिट्टी चौका तैयार हो जाएगा भैया का। थोड़ी देर बाद खाते हैं टेस्ट, आपको बताते हैं लिट्टी चौका कैसा है। ये मार्केट है यह कैंट की।
I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all. भाई ये बरेली का BSNL वाईफाई ऑफिस है, ये गवर्नमेंट BSNL वाईफाई ऑफिस के हम पास गुजर रहे हैं और ये कैंट में पड़ता है और ये वो चर्च है, ये काफ़ी अच्छी चर्च है कैंट की चर्च और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। इससे ही थोड़े आगे वो लाठी चौका का रेडी लगती है, अगर आप आइए तो स्वास्थ्य को चेक करके देखिए। ये भारत सरकार निगम निगम लिमिटेड है और हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं दृश्य नज़ारे कैंट बरेली की आर्मी जोन। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. भाइयों अब इस तरह लिट्टी चोखा बनने आया। देखो ये कोयले की आग में कैसे टमाटर को ये सेका जा रहा है और ये लिट्टी बनाई है इसकी, ये भी लिट्टी सेकी जाएंगी और ये लिट्टी चोखा हमारा तैयार होने वाला है। देखिए भैया जी किस तरीके से लिट्टी चोखा तैयार कर रहे हैं। इसमें बैगन भी बहुत बैगन का भरता होता है और प्याज चटनी होती है और मसाले वगैरह होते हैं और हरी चटनी, लाल चटनी, प्याज और ये बैगन का भरता होता है इसमें। अब लिट्टी चोखा हमारा तैयार।